Hello everybody, so my name is Akash and welcome back to Explore 360 Training Solutions. So this video will comprise of 5 questions from DBMS which is based on InfyTQ pattern, so which is going to be scheduled on April 2 and 3. So I hope you are excited, because I am very excited when preparing videos for you guys, right? So I have already prepared a video on Python which is already uploaded on the YouTube channel. You can watch that, the link is in the description. And one more, if you are completely new to DBMS and you really don't know about anything, then there is one video which is already uploaded on this channel a few months ago. So us video ko ek baar aap dekh sakte ho as an starter. To us video ka link bhi main isme jo hai paste kar dunga. Wo Capgemini ke time pe ek video record ki thi last time, theek hai, wo ek basic queries ki video hai. Now as of now we will be discussing 5 questions which are completely based on InfyTQ pattern, theek hai. So let's start with the very first question. Now the first question is that you are given a table which is named as order items, and there are some order number, then there are some item number, and then there is a quantity. Now ek query aapko de rakhi hai, bol raha hai ki evaluate query ko, is query ko evaluate karne ke baad which statement is true regarding the outcome of the above query. तो नॉट अबाउट साइड क्वेरी, जो ये साइड में क्वेरी लिखी है इसके रिगार्डिंग कि इन चारों में से कौन सा आउटपुट एग्जैक्टली क्लियर होगा, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब आंसर में मैच करेगा. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू यू नो फाइंड आउट. सो उसको देखते हैं ध्यान से, पहले क्वेरी को समझेंगे, पहले टेबल स्ट्रक्चर देखेंगे, क्वेरी को समझेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द आंसर. नाउ लेट्स सी. So if you will look at this table and this query, then it's saying the select item number and average of the quantity. You have to select the item number and average of the quantity from this table grouped by item number. So first of all we will be understanding this query only till here, ठीक है, यहां तक हम देखते हैं इस query को कि ना queries को solve करने का कोई जुगाड़ है, ठीक है ना, we will have to find some way, ठीक है. और तो एकदम से पूरी क्वेरी को तुम सॉल्व नहीं कर सकते, यू विल हैव टू डू दिस इन पार्ट्स, ठीक है. तो पहले इतनी क्वेरी को सॉल्व करेंगे. अगर ये कह रहा है, ये क्वेरी कह रही है कि आइटम नंबर और हर आइटम का एवरेज क्वांटिटी, क्वांटिटी का एवरेज निकाल करके तुम उसको आइटम नंबर के ऑर्डर में लगा दो, ग्रुप करके आइटम नंबर के ग्रुप करके लगा दो, ठीक है. तो मैं इस क्वेरी को आपको दिखा देता हूं, ठीक है, रन करके दिखाऊंगा प्रॉपर MySQL सर्वर पे, देन वी विल लुक एट द आंसर, ठीक है. तो आप डेटा ध्यान में रखो, 111 और 111 आइटम नंबर है, और इस तरीके से मतलब डेटा है, ठीक है. तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है, एंड इसको रन करके देखते हैं, राइट. सो दिस इज माय MySQL सर्वर, ठीक है, दिस इज माय MySQL सर्वर. इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं, ठीक है. सो पहले मैं आपको दिखा देता हूं टेबल. सो दिस इज द सिलेक्टेड क्वेरी, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो दिस इज व्हाट वी हैव द डेटा. इस तरह का डेटा हमारे पास है, ठीक है. चलिए, नाउ फर्स्ट वी विल बी रनिंग दिस मच क्वेरी, इतनी क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है, इतनी क्वेरी को भी छोड़ देते हैं, इतनी क्वेरी को सिर्फ रन करके देखते हैं कि ये क्वेरी मेरे को क्या रिजल्ट देगी. तो इस क्वेरी को जब मैं क्लिक करता हूं, रन करता हूं, तो इसने क्या किया, जितने भी यूनिक आइटम नंबर्स थे, उनके उस हर एक आइटम नंबर का एवरेज निकाल करके इसने एवरेज क्वांटिटी नाम के कॉलम में रखा. तो अगर आपको ध्यान में हो तो 11 वाले का, 11 वाले के पास एक आइटम नंबर 10 था और एक का 40 था. तो जब इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 40 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो 25 आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज हाउ 111 का कितना एवरेज आया, 25. इसी तरीके से सारे ही जितने भी यूनिक आइटम नंबर्स थे और जितने भी रिपीट हो रहे थे आइटम नंबर्स, उनके एक एक करके उसने एवरेज निकाल लिया, ठीक है, एवरेज निकाल लिया. तो एवरेज निकाल लिया, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेप. अब हैविंग क्लोज लगाते हैं, ठीक है, हैविंग क्लोज. नाउ हैविंग एवरेज ऑफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन मिनिमम क्वांटिटी इनटू 2. अब देखो, तुम एक काम करो, सिर्फ 111 वाले के लिए मिनिमम कैलकुलेट करो. मिनिमम कौन है, 2 है, देखो 10 है एंड 40 है, मिनिमम कौन है, 10 है. तो 10 इंटू 2 कितना होगा, 20 होगा, ठीक है. इसी तरीके से काम करते हैं, 22 वाले के लिए चेक करते हैं, 22 वाले के लिए मिनिमम कौन है, एक ही है, तो मिनिमम कितना होगा, 20 होगा. तो 20 के लिए कितना आएगा, 20 इंटू 2 आएगा 40. ये मैं निकाल रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन, 333 के लिए 2 है, तो मिनिमम कौन है, 30, दोनों इक्वल है, तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है. और देन लास्ट वन इज 444, इसके लिए भी एक ही मेरे पास डेटा है, तो विच इज नथिंग बट 40 इंटू 2 इज नथिंग बट 80, ठीक है. तो ये मेरे पास जो है मिनिमम आ रहा है एक एक के लिए, ठीक है, हर एक यूनिक आईडी के लिए. दिस इज फॉर 111, दिस इज फॉर 222, दिस इज फॉर 333 एंड दिस इज फॉर 444. तो ये मिनिमम आ रहा है, ठीक है, मिनिमम आ रहा है. अब कह रहा है
हैविंग एवरेज ऑफ क्वांटिटी. नाउ टेल मी, जो 111 का एवरेज था वो कितना था? 25. जो 111 का एवरेज था वो कितना था? 25. तो क्या 25 इज ग्रेटर देन 20? कंडीशन इज ट्रू. इसका मतलब दिस रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन माई फाइनल रिजल्ट. दिस रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन माई फाइनल रिजल्ट. नाउ एक बार चेक कर लो, 2-2 के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी इंटू 2 आ रहा है वो 40 आ रहा है, 3-3 के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आ रहा है इनटू 2 आ रहा है वो 60 आ रहा है, और इसके लिए 80. नाउ लेट्स लुक एट द ओरिजिनल रिजल्ट जो हमें सिर्फ इतनी क्वेरी से मिला था. ठीक है, एक बार उसको देखते हैं. एक ध्यान में रखिए, 20-40-60-80 आ रहा है, 20-40-60-80 आ रहा है. ठीक है, उसको ध्यान में रखना. चलिए देखते हैं. सो यहां पे जो इसका रिजल्ट था इस क्वेरी का वो कितना था? ये था. तो दिस इज अब मैं यहां पे मिनिमम लिख रहा हूं, मिनिमम ऑफ क्वांटिटी इंटू 2 फॉर ईच आइटम नंबर. तो इसके लिए कितना आ रहा है? 20 आ रहा है. इसके लिए कितना आ रहा है? 40. इसके लिए आ रहा है 60, एंड इसके लिए आ रहा है 80. नाउ टेल मी, कौन कौन सा रिकॉर्ड तुम्हें मैच होता हुआ दिख रहा है? क्या ये ग्रेटर है? ग्रेटर में देखो कौन कौन सा ट्रू हो रहा है. तो 25 इज ग्रेटर देन 20 मींस दिस विल बी इंक्लूडेड. 20 इज ग्रेटर देन 40, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड. 30 इज ग्रेटर देन 60, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड. 40 इज ग्रेटर देन 80, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड विच इज नथिंग बट 111, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एवरेज कितना है? उसके कॉरेस्पॉन्डेंस 25.000. तो मींस जो फाइनल क्वेरी का रिजल्ट आने वाला है दिस इज गोइंग टू बी दिस वन. तो एक बार रन करके दिखा देता हूं फाइनल क्वेरी का रिजल्ट भी. सो दिस विल बी दी फाइनल क्वेरी. इफ आई रन दिस क्वेरी देन यू विल गेट सिंपली दिस. आई होप यू दिस इज क्लियर टू यू. यू कैन वॉच दिस अगेन अगर कोई थोड़ा सा डाउट है, बट दिस इज वॉट, दिस इज हाउ वी विल बी फेचिंग द रिकॉर्ड. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या होगा? हमें एक चीज पता चली है, हमने फाइनल रिकॉर्ड तो आंसर कैलकुलेट कर लिया, बट इनमें से ऑप्शन भी तो चूज करना है. तो इनमें ऑप्शन देखो क्या कह रहा है. ऑप्शन नंबर वैसे सी इसका आंसर होगा, तो सी को देख लेते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं. तो इट डिस्प्लेस द आइटम नंबर एंड विद देयर एवरेज क्वांटिटी. नो डाउट इतना तो डिस्प्ले कर ही रहा है, इतना यहां पे भी लिख रहा है. ठीक है, एवरेज क्वांटिटी, वेयर द एवरेज क्वांटिटी इज मोर देन डबल द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दैट आइटम इन द टेबल. यहां पे इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जिस पर्टिकुलर आइटम नंबर का तुम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर आइटम का, ये एवरेज है ना, एवरेज क्वांटिटी, जिस पर्टिकुलर आइटम की एवरेज क्वांटिटी मोर देन है डबल द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दैट आइटम ओनली. जिस आइटम का एवरेज क्वांटिटी, उसी आइटम का डबल द मिनिमम, है ना. और यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि वेयर द एवरेज क्वांटिटी इज मोर देन डबल द ओवरऑल मिनिमम. तो ओवरऑल मिनिमम थोड़ी ना निकाल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हमारे एक यूनिक आईडी का मिनिमम इंटू 2 कर रहे हैं. हर यूनिक आईडी का मिनिमम इंटू 2 कर रहे हैं. ठीक है, हम ओवरऑल मिनिमम इंटू 2 नहीं कर रहे, हम हर एक आईडी के लिए मिनिमम, हर एक आईडी के लिए मिनिमम निकाल रहे हैं, हर एक आइटम नंबर के लिए मिनिमम, एंड इंटू 2 करके चेक कर रहे हैं उसी के एवरेज से. सो मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Because I have started the question number from zero. So zero, this is now question number one. So we have already done the question number zero. Now this is question number one. Now let's look at this particular question. So we have an instructor table and there is some record in this. And now कह रहा है कि consider the above table. Then how many number of rows will be in output after executing the below query? ठीक है, तो इस query को देखते हैं. Now मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि query जो है हमें parts में run करनी होती है, right? हम query को parts में run करेंगे, then only we would be able to calculate the exact answer. ठीक है, सही answer तभी आ पाएगा. Now इस query को सिर्फ इतना देखो ध्यान से. कह रहा है कि सिलेक्ट इंस्ट्रक्टर आईडी नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000. तो इतनी क्वेरी में सैलरी के लिए बोल रहा है 40,000 से ज्यादा होनी चाहिए. इट मींस क्या है कि यार ये वाला रिकॉर्ड तो डायरेक्टली हट गया, ये वाला रिकॉर्ड तो मींस इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है. दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी रिमूव्ड. ये तो हट गया, पहली कंडीशन से हट गया, राइट, वेयर क्लोज से हट गया. नाउ अब कह रहा है ग्रुप बाय इंस्ट्रक्टर आईडी नेम. अब देखो यहां पे यूनिक इंस्ट्रक्टर आईडी के बेसिस पे हमें ग्रुप बाय करना है. तो जरा ध्यान से देखो कि कौन कौन सी यूनिक है. देखो ये दोनों यूनिक है, ठीक है, ये दोनों यूनिक है, मींस इनका एक ग्रुप बनेगा. 202 सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड है, राइट. नाउ 1203 का इसके साथ ग्रुप बनेगा, 1203 का इसके साथ ग्रुप बनेगा. इट्स नॉट वन एक्चुअली, इट्स आई. सो आई 202 का रिकॉर्ड बन सकता था 202 के साथ, बट यहां पे इस कंडीशन ने इस रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया. इट मींस आई 202 इज अ सिंगल रिकॉर्ड नाउ, तो ग्रुप बाय हमने कर लिया. अब आगे देखते हैं. कह रहा है हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटी ग्रेटर देन वन. अब हमारे पास तीन ही तो यूनिक आईडीज है, कौन कौन सी? आई 201,
I202 एंड I203, ये तीन रिकॉर्ड्स है हमारे पास जो यूनिक आईडीज है। अब इन यूनिक आईडीज के लिए डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज का काउंट निकालना है। नाउ लेट्स चेक फॉर दी I201 के लिए, I201 के लिए चेक करते हैं। दो रिकॉर्ड्स है, दिस वन एंड दिस वन। इसके लिए यूनिवर्सिटीज देखो, यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, यहां पे भी हार्वर्ड है। इट मींस डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज कितनी है? ओनली वन। तो टोटल काउंट कितना हुआ? वन। इसका मतलब I201 रिकॉर्ड के लिए जो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज है वो टोटल कितना है? वन है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर द 202। नाउ 202 इज अ सिंगल रिकॉर्ड, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वन, क्योंकि 202 के लिए डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटी कितनी है? ऑक्सफोर्ड। तो टोटल काउंट कितना हुआ? वन। राइट, नाउ लेट्स चेक फॉर द 203। नाउ 203 के लिए यूनिवर्सिटी चेक करो, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। इट मींस देर आर टू डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज। तो टोटल काउंट कितना हुआ? टू। मींस टोटल काउंट कितना हुआ? टू। इट मींस ID नंबर 203 के लिए डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज का जो काउंट है दैट इज ग्रेटर देन वन विच इज नथिंग बट टू। इसका मतलब ID नंबर I203 का ग्रुप फॉर्म होगा किसके हिसाब से? इंस्ट्रक्टर आईडी एंड नेम। अब क्योंकि ग्रुप बाय है ना, तो इसका मतलब अगर दो I203 है तो इनको भी ग्रुप कर दिया जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इंस्ट्रक्टर नेम है लेट से यहां पे, सॉरी इंस्ट्रक्टर आईडी है एंड दिस इज इंस्ट्रक्टर नेम लेट से। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास I203 एंड नेम आ जाएगा मिचेल। ठीक है, नेम आ जाएगा मिचेल। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन द फाइनल रिजल्ट? ओनली वन रिकॉर्ड विल बी देयर इन द फाइनल रिजल्ट। क्यों आ रहा है वन? आ तो दो रिकॉर्ड रहे हैं। ऐसी दो इंस्ट्रक्टर की आईडी से जहां पे जो मतलब जिसके हिसाब से डेटा फिल्टरिंग हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ ग्रुप बाय दीज टू रिकॉर्ड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल रिकॉर्ड बाय यूजिंग देयर इंस्ट्रक्टर आईडी एंड नेम। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज वन। सो आई होप यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से रिपीट मोड पे इसको देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका? द आंसर विल बी वन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is a very important question, this is a very good question also. So we have two tables, project and allocation, and it's asking for the number of records, number of rows will be the number of rows which will be fetched when this query will be executed on these two tables. Okay, so let's look at this query first. Now keh raha hai ki select p dot project id, p dot project name and a dot employee id from project p full join allocation on P dot project ID is equals to A dot project ID. So I hope you are familiar with the full join syntax. ठीक है, तो simply इतनी query अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक, इतने से query यहाँ से यहाँ तक, तो it's nothing but simple full join on the two tables, जिसके अंदर से हम कुछ number of attributes को calculate कर रहे हैं। ठीक है, that's the only it, right? So we will be performing full join on these two tables, project and allocation table. And where P dot project ID is equals to A dot project ID. तो I think मेरे हिसाब से अगर आपको दिख रहा हो तो INFI 102, these are the two records. क्योंकि full join में क्या होगा? Full join is nothing but the union of inner join, left join and right join. So we will be first calculating the inner join. तो INFI 102 के लिए दो records आ जाएंगे, these two records and INFI 103 के लिए ये वाला record आ जाएगा. So there are three records with the help of inner join. Now left table का data कौन-कौन बचा? INFI 101 and 104. तो इस ये दो records आएंगे अलग से. तो plus left join की help से two records मेरे को मिलेंगे. And because of right join, these two records are left, so these two will be added with the help of right join. So there will be total number of seven records in the full join. So I will be having seven records. So the full join of this table will be something like this. ठीक है, देखो ध्यान से. तो full join इसका ये हो जाएगा. So first of all inner join. ठीक है, अच्छा यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम लिया है, दिस वन ए डॉट प्रोजेक्ट आईडी. उसका रीजन है, मैं अभी बताऊंगा उसको क्यों. क्योंकि फाइनली रेयर कंडीशन को दिखाना है ना मेरे को, दैट्स व्हाई. तो मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा कॉलम लिया है ए डॉट प्रोजेक्ट आईडी. ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स आए जो कि इनर जॉइन की हेल्प से आए. अब फिर उसके बाद लेफ्ट जॉइन आया. अब जब लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड आया तो देयर वॉज नो एम्प्लॉय आईडी फॉर दीज टू रिकॉर्ड्स क्योंकि लेफ्ट टेबल का डेटा आ रहा है, राइट, एंड राइट टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे नल आ रहा है. नाउ अब लास्ट में राइट टेबल के दो रिकॉर्ड्स आएंगे E303, तो उनके लिए कोई प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम अवेलेबल नहीं था प्रोजेक्ट वाली टेबल के अंदर. तो दैट्स वाई वी हैव नल वैल्यूज फॉर दीज टू. ठीक है, अब नाउ ध्यान से देखो, बिकॉज INFI 101 and 104 के लिए अलोकेशन टेबल के अंदर देयर वॉज नो प्रोजेक्ट आईडी, तो इसलिए यहां पर नल है.
और यहां पे नल इस वजह से है क्योंकि अलोकेशन टेबल के अंदर, अलोकेशन टेबल के अंदर ओरिजिनली इस एम्प्लॉय आईडी के लिए एंड इस एम्प्लॉय आईडी के लिए देयर वाज नो वैल्यूज, दैट्स व्हाई वी हैव नल हियर। तो इतना जो रिजल्ट है वो इस क्वेरी का रिजल्ट है, इतना रिजल्ट सिलेक्ट से लेकर के प्रोजेक्ट आईडी तक। अब लास्ट में एक रेयर कंडीशन है, कह रहा है ज्वाइन करने के बाद जहां पे एक ही प्रोजेक्ट आईडी, अलोकेशन टेबल के प्रोजेक्ट आईडी कॉलम जहां पे नल नहीं है, वो रिकॉर्ड्स आपको जो है रिटर्न करने हैं। तो यहां पे नल कहां कहां नहीं है ए डॉट प्रोजेक्ट आईडी, रो नंबर 1, 2 एंड 3। सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली फाइंडिंग द रिजल्ट ऑफ द योर इनर ज्वाइन, राइट। सो फाइनली वी कैन से दैट द आंसर इज गोइंग टू बी 3 बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन वेयर ए डॉट प्रोजेक्ट आईडी इज नॉट नल। सो आंसर कितना होगा इस क्वेरी का, देयर आंसर विल बी 3, ठीक है, आंसर विल बी 3, राइट। सो इस क्वेरी के हिसाब से, इन टेबल्स के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज दी फ्रॉम सैंपल टेस्ट ऑफ इन्फीटीक्यू विच इज ऑलरेडी देयर इन द वेबसाइट, ऑन द वेबसाइट, ठीक है, ऑन देयर वेबसाइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस टेबल। तो कहता है दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द टेबल, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और दो क्वेरी दे रखी है, दो दोस्त थे आपस में, केटीज एंड लीसा, ठीक है, केटी है, केटी ने कुछ क्वेरी लिखी, एक लीसा है, लीसा ने कुछ क्वेरी लिखी। कह रहा है कि whose query will generate the desired output? तो कह रहा है कि क्या ये क्वेरी ये रिजल्ट देगी, क्या ये क्वेरी ये रिजल्ट देगी, जो रिजल्ट आपको यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा है, ये ओरिजिनल डेटा है, दिस इज द फाइनल डिजायर्ड आउटपुट। तो पूछ रहा है कि किसकी क्वेरी फाइनल रिजल्ट तुम्हें दे देगी, केटी की या फिर लीसा की, राइट। सो दिस इज वॉट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन जो है इटरेट करेंगे हम, ध्यान से पढ़ेंगे। Now let's look at the Katie's query. कह रहा है select star from salesman, select star from salesman where दोनों के अंदर अभी तक same है, lower of region like अभी तक यहां तक same है। So let me rub all this, इसको सबको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, like के बाद देखो, कहता है जहां पे region वाले column को lower case में convert करके, रीजन वाले कॉलम को लोअर केस में कन्वर्ट करने पे, जहां पे एंडिंग टी से होती हो या एंडिंग टी से होती है, तो जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट, उसमें जरा ध्यान से देखो कि जो रीजन वाला कॉलम है, जो रीजन वाला कॉलम है उसमें इसके अगर तुम सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो हर एक कॉलम को, तो क्या हर एक रिजल्ट का एंडिंग टी से हो रहा है, हर एक रिजल्ट का एंडिंग टी से हो रहा है? यस, हर एक रिजल्ट का एंडिंग टी से हो रहा है, ठीक है। और चलिए अभी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी, रीजन वाले पहले तुम इसको देखो, इस वाले ओरिजिनल टेबल के अंदर देखो कौन कौन से आ सकते हैं, वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट, चार आने चाहिए हमारे हिसाब से, इस क्वेरी के हिसाब से। कह रहा है कि लास्ट में टी के हिसाब से, लास्ट में अगर टी एंड हो रहा है तो चार रिजल्ट आने चाहिए, बट यहां पे तीन है, ठीक है, यहां पे तीन है, कोई बात नहीं, तीन है, आगे देखते हैं। नाउ इसके अंदर कह रहा है लाइक परसेंट टी एच, परसेंट टी एच, क्या कोई भी रीजन कॉलम के अंदर इस जो फाइनल रिजल्ट है उसमें परसेंट टीएच, मतलब जो एंड हो रहा हो टीएच से, कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है। बट स्टिल अभी तक हम यहां को देखकर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इस केस में ये वाला तो हो रहा है ट्रू अभी तक, कि हाँ भाई फाइनल रिजल्ट में हमारे पास परसेंट टी से कुछ कुछ जो है, सारे नहीं है बट कुछ कुछ है, ठीक है, तो ट्रू मान लेते हैं इसको अभी तक के लिए। बट इस वाली क्वेरी के अंदर यहां पर रिजल्ट अभी तक फॉल्स मिल रहा है, क्यों मिल रहा है फॉल्स? क्योंकि परसेंट टीएच से तो एक भी रिकॉर्ड सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, परसेंट टीएच से तो एक भी रिकॉर्ड सिलेक्टेड नहीं है रीजन वाले के अंदर, जो कि होना चाहिए था, तो दिस इज फॉल्स। लेकिन अभी जजमेंट नहीं कर सकते, किस लिए नहीं कर सकते? बिकॉज ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, बीच में एंड ऑपरेटर है, तो इस फर्स्ट क्वेरी को कंप्लीट होने के लिए यह सेकेंड पूरा रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, तभी ट्रू एंड ट्रू होगा, तभी ट्रू एंड ट्रू होगा। लीसा की क्वेरी में अगर हम ध्यान से देखें, तो जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज फॉल्स, जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज फॉल्स, बट बीच में और ऑपरेटर है, इट मींस बीच में और ऑपरेटर की होने की वजह से जो फाइनल लास्ट वाली क्वेरी है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो फॉल्स और ट्रू विल बिकम ट्रू, फॉल्स और ट्रू विल बिकम ट्रू, ठीक है। इट मींस क्या है कि हमें पूरा क्वेरी को भी रन करना पड़ेगा, हम इतना देख करके नहीं बता सकते, राइट। तो चलिए पहले हम केटीज की क्वेरी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, रीजन के अंदर सारे जितने भी वैल्यूज है सबका एंडिंग टी से हो रहा है, दैट इज फाइन, दिस इज ट्रू। नाउ बीच में एंड ऑपरेटर, नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस वन। कहता है कि सेल्समैन वाला जो कॉलम है रिकॉर्ड के अंदर, या तो उसकी एंडिंग एन से हो या फिर उसकी शुरुआत एन से हो, और ऑपरेटर बीच में, तो हर एक रिकॉर्ड
हर एक रिकॉर्ड सेल्समैन के अंदर या तो स्टार्ट हो एन से या फिर एंड हो एन से, तो एंड हो रहा है एन से। हर एक रिकॉर्ड या तो एंड हो एन से या फिर स्टार्ट हो, तो एंड हो रहा है एन से। हर एक रिकॉर्ड या तो स्टार्ट हो एन से या फिर एंड हो रहा है, तो यहां पे भी एन से वो स्टार्ट हो रहा है। इट मींस जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट है, वो केटी की क्वेरी के हिसाब से एकदम परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, समझ में आ रही होगी ये वाली बात। तो यहां पर ट्रू हुआ, क्योंकि सारे रिकॉर्ड टी से एंड हो रहे हैं। एंड यहां पे कह रहा है कि हर एक सेल्समैन का, टपल या तो स्टार्ट हो एन से, या फिर एंड हो एन से। ठीक है, विच इज अगेन ट्रू कि या तो रिकॉर्ड एन से एंड हो रहा है या फिर एन से स्टार्ट हो रहा है। सो इट मीन्स केटी की क्वेरी तो 100% श्योरिटी है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। तो दिस वॉज गेटिंग फॉल्स, ये तो फॉल्स हो रहा था हमारे पास प्रीवियसली। और कंडीशन के साथ देखते हैं, तो दिस वन शुड बी ट्रू, ये पूरा ट्रू होना चाहिए। कहता है कि सेल्समैन वाला जो कॉलम है, उसमें हर एक वैल्यू एन से एंड भी होनी चाहिए एंड एन से स्टार्ट भी होनी चाहिए। अब तुम खुद से देखो, यहां पे मैंडेटरी कर रहा है कि दोनों एंड से स्टार्ट भी होनी चाहिए एंड एन से एंड भी होनी चाहिए। क्या एलन सिर्फ एंड हो रहा है एन से, स्टार्ट नहीं हो रहा? जबकि ये क्वेरी क्या कह रही है कि एन से एंड भी होना चाहिए एंड एन से स्टार्ट भी होनी चाहिए। सेल्समैन वाला रिकॉर्ड के अंदर जो टपल है वो सिर्फ एन से एंड हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंडेटरी दोनों का रखा है उसने, यहां पे भी एन से एंड हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। यहां पे सिर्फ स्टार्ट एन से हो रहा है, एंड एन से नहीं हो रहा। इट मींस दिस क्वेरी विल बी फेल्ड। तो लीसा की क्वेरी फेल हो जाएगी, सिर्फ केटीज की क्वेरी विल गिव यू द रिजल्ट। सो द ऑप्शन नंबर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। केटी की क्वेरी यहां पर डिजायर्ड आउटपुट मुझे दे देगी, राइट? चलिए, ग्रेट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी केटीज क्वेरी, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। सो दिस इज एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इनफीटीक्यू सैंपल टेस्ट, वेर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेबल्स दैट विल बी रिजल्टेड इन द 3NF फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो for doing this question you must be familiar with the concept of functional dependencies and normalization, ठीक है? तो अभी ये question सिर्फ उसी को समझ में आएगा, no doubt, जो कि already normalization and functional dependencies के concept से familiar है, right? So you should be knowing the concept of functional dependency, कि how functional dependencies are works, and the second concept is that what are the conditions of second normal form, third normal form, like that, right? So, but still, if you know the answer, if you know what are the functional dependencies and what are the conditions for normal forms, then you would be able to, I think, understand this question. So let's start. ठीक है, देखते हैं। तो कह रहा है एक gaming नाम का relation है जिसके अंदर ये 8 attributes है। और functional dependencies कुछ इस तरीके से कि player number in itself is enough to determine player name, player type and discount, and game name in itself is enough to determine game type, duration and amount. इसका मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कुछ कि इस टेबल के अंदर अगर मैं तुमसे प्लेयर नंबर दूं, तो प्लेयर नंबर की हेल्प से तुम प्लेयर का नाम बता सकते हो, टाइप बता सकते हो, डिस्काउंट बता सकते हो, एंड अगर मैं तुम्हें गेम का नाम बताऊं तो गेम नाम की हेल्प से तुम गेम का टाइप, ड्यूरेशन एंड उसका अमाउंट बता सकते हो। अगर मैं तुम्हें प्लेयर टाइप बोलूं कि प्लेयर का टाइप ये है, तो तुम डिस्काउंट बता सकते हो कि कितना डिस्काउंट होगा। सो दिस इज व्हाट फंक्शनल डिपेंडेंसी टेल्स यू, राइट? चलिए, तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या कैसे हमारा 3NF में इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सुनिएगा। पहले हम पहले निकालते हैं कैंडिडेट की। तो मैं एक्स कैंडिडेट की को मैं एक्स से डिनोट करता हूं। तो कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी दी प्लेयर नंबर एंड गेम नेम। तो कैंडिडेट की कुछ ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, ऐसा मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो कि सारे ही एट्रीब्यूट्स को निकाल ले। तो प्लेयर नंबर सिर्फ इन 3 एट्रीब्यूट्स को निकालता है, गेम नेम इन 3 एट्रीब्यूट्स को निकालता है। तो दोनों को कंबाइन करके हम 6 के 6 एट्रीब्यूट्स बचे हुए निकाल सकते हैं। और प्लेयर नंबर, क्योंकि प्लेयर नंबर, अगर मैं तुमसे पूछूं प्लेयर नंबर 1 का, प्लेयर नंबर के बारे में बताओ जिसकी आईडी 1 है, तो ऑब्वियसली वो प्लेयर नंबर 1 ही होगा। इट मींस हर एक एट्रीब्यूट अपने आप को तो आइडेंटिफाई कर ही सकता है। इट मींस दिस विल बी द कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन। इसके लिए ये वाली कैंडिडेट की होगी। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस कैंडिडेट की? प्रॉपर मतलब एकदम सबसेट होना चाहिए। तो प्लेयर नंबर कैन बी द वन सबसेट, वन प्रॉपर सबसेट, एंड गेम नेम विल बी द वन प्रॉपर सबसेट। Now, what are the non-prime attribute? तो Z को मैं denote करता हूँ non-prime attribute से. Except this player number and this game name, this one, amount, game type, amount, player name, player type, discount, duration, everything, every attribute except player number and game name is the non-prime attribute. ठीक है? अब
स्टेप नंबर वन क्या होता है? स्टेप नंबर वन होता है पार्शियल डिपेंडेंसीज को कैलकुलेट करना. Now, what are the partial dependencies? Partial dependency कहती है कि every proper subset of y, अगर proper subset of y अगर determine करता है z को, अगर proper subset of y determine करता है z को, तो this is a partial dependency. z मतलब सारे attributes, game type, amount, player name, player. तो player number अगर तुम देखो ध्यान से, तो player number तीन, player number कौन है? कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट. और ये तीनों क्या है? ये तीनों है तुम्हारे पास, ये तीनों क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. इसका मतलब देर इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी, देर इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी. इट मींस क्या है कि ये जो है, दिस इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है. नाउ लेट्स चेक फॉर द अनदर वन. गेम नेम क्या है? गेम नेम क्या है? गेम नेम इज अगेन द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस कैंडिडेट की. और गेम नेम किस किस एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करता है? गेम टाइप को, ड्यूरेशन को, अमाउंट को, जो कि तीनों ही क्या है, तीनों ही हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है. इसका मतलब दिस इज अनदर पार्शियल डिपेंडेंसी. तो वी हैव टू पार्शियल डिपेंडेंसीज. दोस्तों होता क्या है कि जितनी पार्शियल डिपेंडेंसी आती है और जो जो पार्शियल डिपेंडेंसी में आते हैं उन सब को हम अलग स्कीमा में कर देते हैं. इसका मतलब दिस गेमिंग रिलेशन, जो ओरिजिनल गेमिंग रिलेशन है, दिस इज गोइंग टू बी डिकम्पोज इंटू टू पार्ट, विच इज लेट से आर टू. तो आर टू के अंदर कौन कौन आ जाएगा? प्लेयर नंबर, लास्ट में हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी जो आई उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं. आर थ्री के अंदर कौन कौन आएगा? गेम नेम आएगा एंड हमारे पास अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, सो दीज टू रिलेशन विल बी देयर. अब देखो ये रिलेशन हमने डिकम्पोज कर दिए, अब इनको कोई जोड़ने वाला भी तो होना चाहिए, राइट? सो लेट से देयर विल बी द मेन रिलेशन, आर मेन रिलेशन में उसको बोलता हूं. तो मेन रिलेशन कौन होगा? इस रिलेशन की कैंडिडेट की, जो कि प्लेयर नंबर है. क्यों? क्योंकि प्लेयर नंबर डिटरमाइंस प्लेयर नेम, प्लेयर टाइप, डिस्काउंट एंड गेम नेम डिटरमाइंस गेम टाइप, ड्यूरेशन, अमाउंट. तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की कौन हुई? गेम नेम. तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की यहां पे आ जाएगी, प्लेयर नंबर यहां पे आ जाएगा एंड गेम नेम यहां पे आ जाएगा, गेम नेम यहां पे आ जाएगा. सो दिस इज द फाइनल डिकम्पोजिशन, दिस इज द फाइनल डिकम्पोजिशन, राइट? तो ये तीन डिकम्पोजिशन हमारे पास आ गए, बट आंसर इसका थ्री नहीं है. अभी देखो ध्यान से. नाउ ये रिलेशन जो है, अब ये टू नॉर्मल फॉर्म टू में है, ये रिलेशन नॉर्मल फॉर्म टू में है, NF2 में, 2NF में, बट उसने 3NF में पूछा है. नाउ व्हाट आर द 3NF कंडीशंस? व्हाट आर द 3NF कंडीशंस? समझना ध्यान से. 3NF कंडीशन, अगर तुम इस रिलेशन R2 को देखो तो इसके पास दो पार्शियल डिपेंडेंसीज है. कौन कौन सी जो सेटिस्फाई हो रही है? एक तो ये वाली कि प्लेयर नंबर कैन आइडेंटिफाई प्लेयर नेम, प्लेयर टाइप एंड डिस्काउंट, ठीक है. और एक पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा है, मतलब नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी, एक डिपेंडेंसी हो रहा है प्लेयर टाइप, प्लेयर टाइप कैन आइडेंटिफाई डिस्काउंट, प्लेयर टाइप कैन आइडेंटिफाई डिस्काउंट. मतलब ये दो पार्शियल डिपेंडेंसीज इस रिलेशन के अंदर आ रही है R2 के अंदर. तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रिलेशन R2 जो है, इज इट इन 3NF और नॉट, क्या ये रिलेशन 3NF के अंदर है या नहीं है. तो 3NF की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी रिलेशन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है, जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसीज होते हैं, एक्स एरो वाई, जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसीज होती है एक्स एरो वाई, उसमें x या तो सुपर की होना चाहिए या फिर y क्या होना चाहिए हमारे पास? प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट डिपेंडेंसी, प्लेयर नेम. क्या प्लेयर नेम इसका सुपर की है? जो कैंडिडेट की होती है वो सुपर की भी होती है. इट मींस जो पहले डिपेंडेंसी है वो तो सक्सेसफुली 3NF को जो है सेटिस्फाई कर रही है. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड वन, प्लेयर टाइप. क्या प्लेयर टाइप सुपर की है? नहीं है. बिना कैंडिडेट की के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी सुपर की एट्रीब्यूट नहीं हो सकता. तो प्लेयर टाइप कैन नॉट बी दी सुपर की. तो प्लेयर टाइप सुपर की नहीं है, चलिए ठीक है. अगर एक्स सुपर की नहीं है तो वाई शुड बी दी प्राइम एट्रीब्यूट. नाउ डिस्काउंट क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? नाउ प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो कि कैंडिडेट की का पार्ट होता है, बट यहां पे कैंडिडेट की कौन है? सिर्फ प्लेयर नंबर अकेली. तो मीन्स डिस्काउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लेयर नंबर. इसका मतलब ना ही तो एक्स यहां पे कौन है, ना ही तो एक्स यहां पे प्राइमरी की है, सॉरी नॉट प्राइमरी की, सुपर की, एंड ना ही वाई यहां पे प्राइम एट्रीब्यूट है. इट मींस दिस रिलेशन आर टू इज वॉयलेटिंग द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. इसका मतलब इसका हमें फर्दर डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा. तो वो डिकम्पोजिशन कैसे होगा, ध्यान से देखना. तो कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसी का वॉयलेशन कर रही है? दिस वन. ये पार्शियल डिपेंडेंसी का वॉयलेशन कर रही है. इसका मतलब इस रिलेशन को अलग से डाल दो इस रिलेशन के अंदर. तो प्लेयर टाइप आ जाएगा, प्लेयर टाइप विल बी दी वन पार्ट एंड डिस्काउंट विल बी दी अनदर एट्रीब्यूट. ठीक है, तो ये रिलेशन आपने ब्रेक किया. और दूसरा जो रिलेशन ब्रेक होगा R2SS, वो बचे हुए एट्रीब्यूट्स. बचे हुए एट्रीब्यूट्स कौन है? प्लेयर नंबर,
प्लेयर नंबर एंड प्लेयर नेम, प्लेयर नंबर, प्लेयर नेम एंड, और क्या बच रहा है? अब बच कुछ नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि इस रिलेशन को ब्रेक करा गया, डिकम्पोज करा गया, तो देयर शुड बी सम कनेक्टिविटी। नाउ कनेक्टिविटी कैसे पता चलेगी? इस रिलेशन की जो डिकम्पोज हुआ फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेसिस पे, इस रिलेशन की कैंडिडेट की कौन है? प्लेयर टाइप। इसका मतलब यहां पे तीसरा एट्रीब्यूट जाएगा, दैट विल बी प्लेयर टाइप। ठीक है, तो ये प्लेयर टाइप आएगा। तो फाइनली जो हमारे पास चार रिलेशन बने वो कौन कौन से बने? एक तो दिस वन, वेट फॉर अ सेकंड, एक तो हमारे पास ये बना दिस वन, एक हमारे पास ये रिलेशन बना, दो एंड एक रिलेशन हमारे पास ये मेन रिलेशन है, और एक हमारे पास ये आर्थ रिलेशन है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 4 एंड नॉट 3। ठीक है, ये रिलेशन तो 3NF को फेल कर रहा था, R2 वाला रिलेशन, तो R2 को हमने डिकम्पोज कर दिया दो रिलेशंस में, राइट? तो ऑल्दो दिस क्वेश्चन, दिस रिलेशन, दिस डिकम्पोजिशन इन 3NF इज नॉट अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इज अनदर थिंग, मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो इज ऑलरेडी वेरी लॉन्गर, राइट? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा, राइट? तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे हम वीडियो में, ठीक है? बस इतना एक जो है रिकमेंडेशन है, सजेशन है, कि जो इस बेसिक क्वेरीज आपको पढ़ के जानी है, आपने ध्यान दिया होगा सारा का सारा बेसिक क्वेरीज का खेल है, ठीक है? कहीं भी कोई भी इन्फिटीक्यू के सैंपल टेस्ट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है, वो सारा बेसिक क्वेरीज फंडामेंटल पूछ रहा है। तो अगर आपको बेसिक क्वेरीज क्लियर है एंड जॉइंस क्लियर है, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉइंग, यू आर लर्निंग, एंड दैट्स इट। All the best for your exam. Thank you. Bye-bye.